Monsieur Hamsik Manik Prim Katay, कि उसने हमारे जीवन को बदल दिया। हम लोगों ने एक पद पढ़ा है रोमियो की पत्री में, तीसरा अध्याय और उसके 23वें पद में, जहां लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कई बार हम लोग इस पद को यहीं तक पढ़कर छोड़ देते हैं। लोगों ने ऐसा सही किया है और लोग सोचते हैं कि यही हमारी स्थिति है, यही हमारी स्थिति है। यहां तक कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो भी हमारी स्थिति यही है। वास्तव में ऐसा नहीं। हम लोगों ने सीखा था हम लोग कैसे बाइबल की व्याख्या करें, कैसे उसके पदों को समझें, जो कुछ लिखा है उसको उसका अर्थ कैसे निकाले। तब हमने इस बात को समझा था कि उसको संदर्भ में पढ़ना कितना जरूरी है। जब हम रोमियो की पूरी पत्री पूरे संदर्भ में पढ़ते हैं, उसके पहले भाग में प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में है उन्होंने पाप किया है और इस वजह से परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन परमेश्वर ने इसके छुटकारे के लिए एक उपाय किया। अब ये उपाय यीशु मसीह में है और उसने आकर अपना बलिदान दिया और उस पर विश्वास करने वाले उससे छुटकारा पाते हैं। उनकी स्थिति पापी की नहीं रह जाती लेकिन उनकी स्थिति धर्मी की हो जाती है। उनकी स्थिति अपवित्र मनुष्य की नहीं रह जाती लेकिन उनकी स्थिति पवित्र की हो जाती है। बचाए गए लोग हो जाते हैं। और यहां तक कि जो सवाल खड़ा हुआ था या ये स्थिति जो आ गई थी कि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है, प्रेरित पौलुस उसका समाधान भी रोमियो की पत्री में प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि हमने वो महिमा भी पाया। हालेलुया। आप कभी गौर से रोमियो की पत्री को पढ़िएगा, अध्याय दर अध्याय आप आगे बढ़ते जाइए, जो संदेश वहाँ छुपा हुआ था उसको नोट करते जाइए, फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते आप पाएंगे कि पूरा संदेश यही है कि जो कुछ हमारे पास नहीं था, हम जिसके लायक नहीं थे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया, हमें बदल दिया और सबसे बढ़कर जिस महिमा को खो दिया गया था वो महिमा फिर से हमें दे दी गई है। इसके विषय में बताने के लिए वो 8वें अध्याय में पद 29-30 को इस्तेमाल करता है। 29 और 30 हम पढ़ते हैं, क्या लिखता है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। स्थिति आरंभ हुई थी कि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन उसका समाधान कर दिया गया यीशु मसीह में। उसने हमें पहले से जान लिया, हमें बुलाया और हमने उस पर विश्वास किया ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में, और जो उसका पुत्र है अर्थात यीशु मसीह वो महिमामय है। और उसने न सिर्फ हमें बुलाया बल्कि हमें धर्मी भी ठहराया, हमने डिटेल में उसके विषय सीखा था, वरन हमें महिमा भी दी है। वो नहीं कहता कि महिमा भी देगा, वो महिमा भी दी है, अर्थात वो महिमा जो पाप करने की वजह से खो गई थी वो महिमा उसने यीशु मसीह में हमें रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया। हमारे भीतर में वो महिमा विद्यमान है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, पिछली बार हमने सीख रहे थे, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ने जो कुछ हमारे भीतर में दिया है, हमारे नए मनुष्यत्व में दिया है, हम उसके साथ में ट्यून करते हैं, हम उस महिमा के साथ में ट्यून करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो यही है। हमने जब पहला संदेश यहाँ पर सुना था इस बाइबल स्टडी में, तो मैंने इस बात को बता दिया था स्पष्ट रूप से, हमारा लक्ष्य क्या रहेगा। हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम तेजस्वी हो जाए, कलीसिया तेजस्वी हो जाए, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। क्योंकि ये वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया को अपने पास खड़ी करेगा, कैसा बनाकर? तेजस्वी बनाकर। वो बेहाल बदहाल पापों में पड़ी कलंक और झोली लगे हुई कलीसिया नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो तेजस्वी हो जाएगी। सो हमारा लक्ष्य वही है। उसके पहले हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते और कभी होना भी नहीं चाहिए। और इसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं इसके होने के मार्ग में, और मैंने इतने दिन में उसको दूर करने का प्रयास किया है। एक और बाधा रह गई है जिसको मैं आज दूर करने का प्रयास करूंगा,
और वो बाधा है परंपरा की बाधा। हम लोग परंपराओं को जानते हैं कलीसिया के हिसाब से, आरंभ से जब कलीसिया आरंभ हुई तो बहुत सारी परंपराएं उसमें जुड़ती चली गई। परंपराएं बुरी नहीं होती, परंपराएं अच्छे उद्देश्य से बनाई जाती, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये हो जाता है कि जो परंपरा रह जाती है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से परंपरा बनाई गई थी वो हम लोग भूल जाते, सारी परंपरा रह जाती। एक कहानी बताई जाती कि एक व्यक्ति था जिसने एक कुत्ता पाला था और वो कुत्ता उससे बहुत प्रेम करता था। तो कुत्ता उसके साथ उठता बैठता, पूंछ हिलाता, आता जाता था, और वो व्यक्ति प्रभु का भय मानने वाला था, और इसलिए वो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में एक मेज उसने रखी थी, एक कुर्सी उसने रखी थी, और कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर वो बाइबल पढ़ता था। लेकिन जो उसका कुत्ता था वो उसको परेशान करता था, उसको बाइबल पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, उसको प्रार्थना करने के लिए दिक्कत होती थी। तो उसने सोचा कि ये कुत्ता मुझे परेशान ना करे, बेशक कुत्ते के साथ मेरा लगाव है, कुत्ते को भी मुझसे लगाव है, लेकिन मुझे परमेश्वर के लिए समय देना चाहिए और उस समय को कुत्ते को नहीं मिलना चाहिए। मेरा समय परमेश्वर को जो मिल रहा है वो कुत्ते के साथ शेयर नहीं होगा। कुत्ता क्या कुत्ता है, गॉड और डॉग में अंतर है, भले ही घुमा के लिखे। तो जो परमेश्वर को समय दे रहे हैं वो समय उसको पूरा मिलना चाहिए। तो क्या उपाय किया जाए, कुत्ता को समझाए तो समझ में नहीं आता है, मना करे तो मानता नहीं है। तो उपाय ये निकाला गया कि जब मैं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए उस कुर्सी पर बैठू, मेज पर बैठू, तो मैं कुत्ते को बांध दू। तो कुत्ते को चेन में लगाकर उसको बांध देता था और फिर उस कुर्सी पर बैठकर बाइबल पढ़ता था उस मेज पर रखकर। और उसका जो बेटा हुआ वो इस बात को देखता था कि किस प्रकार मेरा पिता जब वो उस कुर्सी पर बैठता है, मेज पर बैठता है, बाइबल पढ़ता है, तो वो कुत्ते को बांधता है। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो कुत्ता, उसकी आयु पूरी हुई, वो कुत्ता चल बसा, और जो व्यक्ति जिसने कुत्ता बांधना आरंभ किया था वो व्यक्ति भी चल बसा, लेकिन उसका बेटा बड़ा हो गया, उसने भी एक कुत्ता पाला। और उसने तो क्या सीखा था परंपरा से, यही सीखा था कि जब उस कुर्सी पर बैठते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं, तो कुत्ते को बांधा जाता है। तो फिर उसने भी ऐसे ही करना शुरू किया, वो कुत्ते को पहले बांध देता था, अगर कुत्ता घर में नहीं भी है तो उसको ढूंढ कर लाता था, और फिर उस कुत्ते को पहले बांध देता था कहीं पर, और फिर मेज पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर बाइबल पढ़ता था। इस व्यक्ति के बेटे ने देखा कि मेरा पिता जब भी कुर्सी पर बैठता है, मेज कुर्सी के पास में बैठता है, तो अपने कुत्ते को बांधता है। और एक पीढ़ी चली गई, कुत्ते की पीढ़ी भी चली गई, वो पिता भी चला गया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी एक कुत्ता पाला, और उसके बाद उसने देखा था कि मेरा पिता जब भी उस मेज कुर्सी पर बैठता है तो कुत्ता बांधता है, इसलिए उसने भी वैसे ही किया। जब भी वो उस कुर्सी पर बैठता था, उस मेज के सामने बैठता था, वो कुत्ते को बांध देता था, कुत्ते को बांध देता था और उस पर बैठता था। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली गई। हमारी स्थिति भी इसी प्रकार की होगी, कलीसिया की स्थिति भी इसी प्रकार से होगी। कोई परंपरा शुरू की गई तो शुरुआत करने के पीछे कुछ अच्छा उद्देश्य था, तो जो उद्देश्य था उसको हम लोग भूल गए, जो उद्देश्य था वो पीछे छूट गया। हम लोग सवाल उठा सकते कि ये परंपरा है तो क्यों, वो क्यों का सवाल गायब हो गया, बस परंपरा हमको मिलती चली गई। और उसमें उसको करने से जो लाभ प्रथम व्यक्ति को मिल रहा था वो अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो शुरुआत किया था जिसने कुत्ता बांधना, वो कुत्ता बांधता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, तो कुत्ता बांधने का पूरा लाभ उसको मिल रहा था। लेकिन जो उसके बेटे ने सीखा तो क्या सीखा, कुत्ता बांधना है, बाइबल पढ़नी है, इतना सीखा, प्रार्थना करना भूल गया। और उसके बेटे ने क्या सीखा, बाइबल पढ़ना यह भी जरूरी नहीं, मेज कुर्सी पर बैठना यह जरूरी है, लेकिन साथ में कुत्ता बांधना जरूरी है। तो कुत्ता बांध, परंपरा इसी रीति से हम तक आ पहुंची। हम लोग कलीसिया में बहुत सारी परंपराओं को देखते हैं और सब खोखले होते हुए हम तक आ पहुंची, जो उसका मूल उद्देश्य था वो कहीं का कहीं रह गया। और इसलिए मैं परंपराओं को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, मैं उसके उद्देश्य को वैल्यू देता हूं। अगर उसका उद्देश्य दूसरे तरीके से भी पूरा हो सकता है तो मैं वो करता हूं। परंपराएं तो मनुष्य बनाता है, अगर परमेश्वर को परंपराएं बनानी ही होती तो नया नियम में लिख देता,
पुराने नियम में कितनी ही परंपराओं से लिखी थी, कितने ही विधि नियमों को उसने डिटेल में लिख दिया था, जब तुम बलिदान करो, जब तुम क्या करो, वस्त्र पहनो वगैरह वगैरह, बहुत सारे विधियां। नए नियम में उसने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। और अब अगर किसी ने उस परंपरा को बनाया है, किसी कलीसिया में, कलीसियाओं में अगर किसी परंपरा को फॉलो किया जाता है, इतना जानिए कि उसको मनुष्य ने बनाया। और अगर बनाया है तो अच्छे उद्देश्य से बनाया होगा, लेकिन मुझे उस परंपरा से प्रेम नहीं, मुझे उस उद्देश्य से प्रेम है जिसके लिए वो बनाया गया। और ऐसी ही सोच हमारे लिए भी होनी चाहिए। हम उस परंपरा से प्रेम नहीं करते, परंपरा सदा बनी नहीं रहेगी। परंपराएं अनंत नहीं है, वो आज है कल को चली जाएंगी। जब यीशु मसीह आ जाएगा सारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। जो रह जाएगा वो मूल उद्देश्य है जिसके लिए परंपरा बनाई गई। और इसलिए मैं इस बात का केयर नहीं करता कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है। मैं परंपरा के हिसाब से नहीं चलता हूं, कैलेंडर के हिसाब से भी नहीं चलता हूं, क्योंकि कैलेंडर को भी परमेश्वर ने नहीं बनाया। और इसीलिए अभी कहने के मुताबिक क्रिसमस पहुंचने को है, कुछ ही दिन बाकी है। आज 19 तारीख है, 6 दिन होंगे क्रिसमस होंगे। क्रिसमस का संदेश मैं आपको दूंगा, आपको बहुत संदेश मिल जाएंगे उसके विषय। मुझे कुछ दूसरा काम करना है जो बहुत जरूरी है, और इस उत्सव के माहौल को मैं बाधा बनने नहीं दे सकता। हम लोग जब इसी साल में आरंभ किए थे 14 फरवरी को, कुछ समय के बाद लेंट काल शुरू हो गया था कलीसिया के कैलेंडर के हिसाब से। अब कायदे के मुताबिक तो मुझे लेंट से संबंधित मैसेज देना चाहिए, दुख और मरने से संबंधित मैसेज देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते करते हम लोग गोल गोल घूम जाते हैं। दिसंबर होता है फिर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, फिर मार्च अप्रैल होता है फिर लेंट होता है, ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, फिर और साल दर साल ऐसे गोल गोल घूमते चले जाते हैं, और जो मूल उद्देश्य है वो कहीं खो जाता है। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, समाधान किया कि वो महिमा यीशु मसीह में दी गई। और हमारे लिए लक्ष्य भी वही दिया गया, कलीसिया तेजस्वी हो जाए। हमने उस तेज को ढूंढना छोड़ करके, उसका पीछा करना छोड़ करके परंपराओं के पीछे चले, तो हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। तब हम लोगों को जरूरत है कि उस परंपराओं को साइड में रखें, जब जरूरत पड़ती है हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य को परमेश्वर ने रखा था हम उसको पूरा करें। हर साल जब क्रिसमस का समय आता है, गैदरिंग आता है, तब गैदरिंग मनाई जाती है, क्रिसमस गैदरिंग, और यह सवाल पूछा जाता है कि आपके दिल में यीशु मसीह जन्मा है। मानो वो हर क्रिसमस के दिन जन्म लेता है और गुड फ्राइडे को मर जाता है, और फिर उसका दो तो मर गए। अब जब तक क्रिसमस नहीं आएगा तो यीशु मसीह तो दिल में है नहीं। अब इसलिए क्रिसमस आया तो फिर पूछते हैं, दूसरे साल पूछते हैं, क्या आपके दिल में यीशु जन्मा? आखिर मर गया था तो जन्म लेना फिर से चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरे साल तक में मर जाता है, फिर हम लोग पूछते हैं दूसरे साल में, और ऐसे करते करते 2000 साल बीत गए। बस हमने सवाल पूछा कि आपके, जब दिसंबर आया तो हमने पूछा क्या यीशु मसीह जन्मा, फिर अगले साल फिर पूछा क्या यीशु मसीह जन्मा। दरअसल मसीहियों के बीच में तो यह सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए। जो यीशु मसीह के लोग हैं उनके बीच में तो यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, मतलब नौबत आनी ही नहीं चाहिए पूछने की नौबत कि आपके दिल में यीशु जन्मा कि नहीं जन्मा। हमने तो यीशु मसीह को जिस दिन पा लिया था वही दिन उसके जन्मने का समय था, वही दिन उससे मुलाकात का समय था। उसके बाद से अब तो वो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, अब फिर बार बार क्या पैदा होना? असल में जब पैदा होना तो 2000 साल पहले वो हो गया, अब उसको बार बार पैदा होने की जरूरत नहीं है। और उसी प्रकार मेरे जीवन में भी उसको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी के जीवन में बार बार जन्म लेने की जरूरत। अगर वो मसीह व्यक्ति उसके जीवन में उसको एक ही बार आ जाने की जरूरत है, और उसके बाद बढ़ते जाने की जरूरत, राज्य करते जाने की जरूरत। सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि मसीह जन्मा कि नहीं जन्मा, बल्कि ये सवाल तो हम लोगों को अन्य जातियों को पूछना चाहिए कि भाई मेरे जीवन में तो यीशु मसीह है, वो तो मुझ में राज्य कर रहा है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? क्या वो तुम्हारे दिल में जन्मा? क्या तुमने उसे ग्रहण किया? ये सवाल तो दूसरों को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने समय से क्या करते रहते? हम लोग परंपरा निभाते हैं, हर साल परंपरा के मुताबिक पूछते हैं क्या तुम्हारे दिल में यीशु मसीह जन्मा, और कदम ताल होता रहता है, हर साल वहीं से शुरू करते वहीं पर पहुंच जाते हैं।
दिसंबर में शुरू करते पर अगला दिसंबर वहीं पहुंच जाते। तो हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन एक सर्कल में चल रहे, एक वृत्ताकार पथ में चल रहे, जहां से हम शुरू करते हैं और फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ समय के बाद में पहुंच जाते वहीं पे। परंपरा ऐसी ही, आप फिर चलते हैं, फिर पहुंच जाते हैं वहीं पे। तो हम लोग अगर सर्कल में चलते रहे, वृत्त में चलते रहे, तो पहुंचेंगे कहां? कहीं नहीं। इसलिए हम लोगों को उस वृत्ताकार पथ से निकल जाना पड़ेगा, तब हम पहुंच सके। अगर आपको यहां से कहीं जाना होगा, रांची से आपको जमशेदपुर जाना होगा, तो आपको ऐसा मार्ग चुनना पड़ेगा जो वहां तक पहुंच सके। अगर कोई सर्कल ढूंढ लेंगे रांची के भीतर, ये जो रिंग रोड है उसमें घूमे, तो आप उसमें 10 बार घूम सकते हैं। साल के हिसाब से हम बांट सकते हैं, पहला दिन यहां से यहां तक जाएंगे, दूसरा दिन यहां से यहां तक जाएंगे, 365 दिन में हम रिंग रोड पूरा करेंगे। तो आखिरकार 25 दिसंबर वो समय आएगा जहां पर, जहां आपने शुरू किया था वहीं पर आप हैं। फिर सवाल पूछना होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ भी बढ़ रहे हैं, और फिर वहीं बढ़ के वहीं पहुंच जाएंगे। कहीं नहीं पहुंचे। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा था कि जो दौड़ने वाला है वो भी लक्ष्य ही नहीं दौड़ता। हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, पहला कुरिंथ और उसके अध्याय 9 और उसके पद 24। पहला कुरिंथ अध्याय 9 और उसके पद 24। आज मैं थोड़ा हार्ड मैसेज दे रहा हूं, यदि आप परंपराओं से प्रेम करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सके। लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पद 26 में वो कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। अब कल्पना कीजिए कि खेल का मैदान है, वहां पर दौड़ होने वाली, एथलेटिक्स होने वाली, वहां पर उनके लिए एक रेखा खींच दी जाती कि इस रेखा से तुम्हें दौड़ शुरू करनी है और वो रहा फाइनल डेस्टिनेशन, वो रही वो रेखा जहां तक तुम्हें दौड़ कर पहुंचना है। शायद वो 100 मीटर में होगा, शायद वो 200 मीटर में होगा, शायद कुछ किलोमीटर में होगा, लेकिन दौड़ यहां से शुरू करनी है और तुमको जीतना है। तो प्रेरित पौलुस ने कहा, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, अर्थात कुछ है हासिल करने के लिए, उस तक उसकी तरफ बढ़ो। सो अगर हमने कहा कि ठीक है हम दौड़ते हैं, हम कतार के पास तो खड़े हुए, अब किसी ने इशारा कर दिया अब दौड़ो, फिर दौड़ना शुरू किया, हम बोले कि मेरी मर्जी, हम किधर भी दौड़े, 100 मीटर ही ना दौड़ना है, तो हम उधर दौड़ गए, तो कोई उधर दौड़ गया और कोई पीछे की तरफ दौड़ गया, तो क्या हम कह सकते हैं वो जीत जाएगा? वो दौड़ा जरूर, हो सकता है 100 मीटर तय भी किया, लेकिन वो जीतेगा नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य उसके लिए ठहराया गया था उस तक वो नहीं पहुंच पाया। दौड़ा जरूर पर जीता नहीं, पहुंचा नहीं। कई बार हमारी दौड़ ऐसी ही हो गई, कलीसिया की दौड़ ऐसी हो गई। हर सप्ताह कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? कोई लक्ष्य है क्या? कहीं पहुंच रहे हैं क्या? या फिर गोल गोल हम घूमते जा रहे हैं, गोल गोल हम घूमते जा रहे हैं। 100 मीटर ही ना दौड़ना है, तो 1 मीटर गोल घूमकर 100 मीटर चले, हम कहीं नहीं पहुंचे। पौलुस कहता है कि मैं भी ऐसे दौड़ता परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मेरा निशाना है, मेरा डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना है, और जिधर पहुंचना है मैं उधर जाता हूं, और जब मैं उधर जाऊंगा तो पहुंचूंगा, अगर उधर नहीं जाएंगे तो नहीं पहुंचे। और इसी प्रकार ये महिमा भी है, यदि हम महिमा की तरफ नहीं दौड़ेंगे, यदि हम महिमा को लक्ष्य करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम सब कुछ परंपरा के मुताबिक करते तो जाएंगे लेकिन हम पाएंगे नहीं। 2000 साल गुजर गए, यीशु मसीह अभी तक लौट के नहीं आए। जब प्रेरित पौलुस बता रहे थे लोगों को, या फिर यीशु मसीह के चेले भी सोचते थे कि यीशु जल्दी ही आएगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं आ जाऊंगा, तो उन्होंने सोचा कि वो आज नहीं तो कल आ जाएगा। चेलों को ऐसे सिखाना शुरू किया, उन्होंने प्रचार किया, जितने लोगों ने विश्वास किया सबको ऐसे सिखाना शुरू किया कि वो आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। तो स्थिति ऐसी हो गई, यहां तक कि प्रेरित पौलुस ने चिट्ठी लिखकर भेज दिया थिस्सलुनीके के लोगों के पास, और उसने कहा कि जब प्रभु आएगा तो क्या क्या होगा? वो आएगा
मुर्दे जिलाए जाएंगे, जिंदा लोग बदल जाएंगे, हम लोग हवा में प्रभु से मिलेंगे। और कब आएगा बताने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो। तो लोग सोचने लगे कि कल ही परसों पहुंच रहा है। और उस समय की स्थिति हो गई कि उन्होंने काम धाम करना छोड़ दिया। सोचा कि अब काम धाम करके क्या फायदा, वो तो कल परसों आ ही रहा है, तो ये सब बेकार की बात है। जो चीजें हैं उन सबको खा जाओ, माल बेच दो, दान दे दो, तो आज नहीं तो कल तो पहुंच रहा है एक सप्ताह। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो प्रेरित पौलुस को दूसरी चिट्ठी लिखनी पड़ी, दूसरा थिस्सलुनीकियों। तब उनको बताना पड़ा कि अरे भाई इतनी भी जल्दी नहीं आ रहा है, अभी कुछ है जो पूरा नहीं हुआ, और जब तक पूरा नहीं होगा पहुंचेगा नहीं, और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। प्रेरित पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों के नाम से चिट्ठी भेजी, वो 60 ईस्वी के लगभग में चिट्ठी थी। 60 ईस्वी के बाद से अब इधर 1960 बीत गया, 1900 साल, अब इधर 2060 आने वाला है, 2000 साल बीतने पर है, पर यीशु मसीह आया नहीं। क्यों नहीं आया? कि वो झूठा था। उसने तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कह दिया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 95 ईस्वी में जब यूहन्ना दर्शन देख रहा था पतमस नाव टापू पर, उसने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इतना शीघ्र कोई आता है क्या? 2000 साल बीत जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ बातें जो है वो पूरी नहीं हुई, सिर्फ इंतजार होता रहा, इंतजार होता रहा। हम लोग इंतजार पर इंतजार, इंतजार पर इंतजार, सर्कल में गोल गोल घूम घूम के इंतजार पर इंतजार करते रहे, पर हम डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे नहीं तो यीशु मसीह से मिलेंगे। हमको उस तरफ रुख करना ही पड़ेगा, हमको उस वृत्ताकार पथ से निकल जाना पड़ेगा, हमको आगे की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह से हमारी मुलाकात तभी होगी। उसने हमारे लिए वही फाइनल पॉइंट बनाया है, हम वहीं पर उससे मिलेंगे। जब कलीसिया उस स्थिति में आए तो हम लोगों को धूल झाड़ कर उठ खड़े होना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने केयर नहीं किया कि कौन सा मौसम में क्या आ रहा है, कौन सा त्यौहार आ रहा है, कौन सा त्यौहार नहीं आ रहा है, मुझे मतलब नहीं। यहाँ तक कि जितने त्यौहार भी मनाए जाते हैं मसीही जगत में, वो भी परंपरा से ही आते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर, ऐसा थोड़ी है कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्म लिए थे। यीशु मसीह 25 दिसंबर को कभी जन्म नहीं लिए थे। यीशु मसीह किस तारीख को जन्म लिए कोई बता ही नहीं सकता है। जो बाइबल के विद्वान है सबका अपना अपना मत है। कोई तो कहता है कि जनवरी में हुए थे, पैदा हुए थे, तो कोई कहता है कि फरवरी में हुए थे, तो कोई कहता है कि मार्च में हुए थे, और करते करते लोग साल भर के हर एक महीने का बता देते हैं, अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि देखो ऐसा था तो ऐसे यही महीना होना चाहिए, तो महीना जून होना चाहिए, सब अपना अपना बताते हैं। तो 25 तारीख को हम लोग मनाने लगे, क्यों? क्योंकि एक परंपरा शुरू की गई रोम में। उस समय रोम में सूरज देवता की उपासना की जाती थी, और वो भी 25 दिसंबर। और जब उसकी उपासना की जाती थी तो मसीहत रोम तक आ पहुंचा, और उन्होंने देखा कि बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि एक सप्ताह से उत्सव हो जाता था। और जो सबसे बुरा आदमी होता था उस बुरे आदमी को चुन करके उस सप्ताह भर उसको सम्मानित किया जाता था, उसको ऊंचे पर उठाकर रैलियां निकाली जाती थी, बहुत उत्साह होता था। और उस 25 तारीख को वो लोग सूरज का जन्मदिन मनाते थे, सूरज देवता। और उस 25 तारीख को उस व्यक्ति की बलि दे दी जाती थी जिसको सप्ताह भर से इतना सम्मानित किया गया। बहुत भयानक परंपरा। लेकिन जब मसीहत वहां पहुंची, लोगों ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, क्यों ना इस चीज को समाप्त कर दिया जाए, इसका उन्मूलन कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस पर बैन लगा दें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के रग रग में वो पर्व बसा हुआ है, तो हम इसको कैसे चेंज करें। तो उन्होंने सोचा कि बाइबल से हम लोग कुछ मैच करते हैं। यीशु मसीह के विषय में मलाकी की पुस्तक में लिखा गया था, 4 अध्याय में उसकी भविष्यवाणी थी 2 पद में, कि परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, पाले हुए बछड़ों के समान निकलकर कूदोगे और फांदोगे। यीशु मसीह के विषय में कहा गया था वो धर्म का सूर्य है। वो लोग संसार में जो दिखाई देता है उस सूर्य की उपासना करते थे। उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा कि हम धर्म के सूर्य का के नाम पर जन्मदिन मनाएं,
सो उस चीज को रिप्लेस कर दिया। आज आप अगर रोम जाकर ढूंढ कर देखिए वो परंपरा थी कि नहीं पुरानी, जब लोग सूरज के लिए बलि देते थे आदमी की बलि, आप पाएंगे कि वो नहीं, उसका उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गई वो प्रथा, और उसके उसके बाद से क्रिसमस मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। हम लोग मनाते हैं यीशु मसीह जन्म लिए, हम लोग इन संबंधित चीजों को देखते गाते खुशी मनाते सब कुछ करते हैं, लेकिन असल में इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अगर आप इतिहास पलट कर देखें, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप इतिहास और उसके जितने डॉक्यूमेंट्स उसमें ढूंढ कर देखिए, 300 ईस्वी से पहले क्रिसमस मनाने का कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब चेलों ने कभी क्रिसमस नहीं मनाया, अर्थात यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उन्होंने कभी क्रिसमस नहीं मनाया। पहली शताब्दी में क्रिसमस मनाई ही नहीं गई, दूसरी शताब्दी में क्रिसमस मनाई ही नहीं गई, तीसरी शताब्दी से क्रिसमस मनाने का त्यौहार शुरू किया गया, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था वो अच्छा था। आज हम लोग उसी परंपरा को ढो रहे, परंपरा में बहुत कुछ जुड़ता चला गया, सेंटा क्लोज आ गया, ट्री आ गया, और भी क्या 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 क्या, आज हम लोग सारी परंपराओं को कैरी किए हुए जा रहे हैं, और क्रिसमस में यीशु मसीह महत्वहीन हो गया, सेंटा क्लोज ज्यादा महत्व हो गया, लाल टोपी, लाल सफेद कपड़े, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो गए। परंपरा बीच में आती चली गई, क्योंकि एक आदमी ने क्या किया, क्रिसमस के मौके पर लोगों को गिफ्ट देने लगा चुपके चुपके, तो उन्होंने कह दिया कि सेंटा क्लोज आता है गिफ्ट देता है, तो सेंटा क्लोज इतना महत्वपूर्ण हो गया कि लोग जो बाकी जगत है जो मसीहत नहीं है वो लोग क्रिसमस मतलब वही जानते हैं, और लोग कहते हैं कि सेंटा क्लोज से क्या मांगा तुमने, अरे भाई सेंटा क्लोज होगा तब तो देगा। परंपरा में ये सारी बातें आती चली गई, कुछ अच्छी बातें आई कुछ गलत बातें आई, और हम लोग सबको ढो रहे, हम लोग सबको लेकर कहां जा सकते हैं, कहां पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, हम लोग आनंद मनाने के लिए उन सबको यूज कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए कोई बंधन नहीं रखा, उसने हमें व्यवस्था के बंधन से आजाद किया, हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इतने आजाद हैं कि हम बंधन में जाने के लिए भी आजाद हैं। और नहीं तो आजादी नहीं होती, तुम बंधन में नहीं जा सकते हो तो ये ऑटोमेटिक बंधन है। यदि आप फिलोसफी जानते तर्क जानते हैं तो यही है, यदि आपको कह दिया जाए कि तुम बंधन में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तो भाई आप तो ऑटोमेटिक बंधन बना दिए, इस दायरे के बाहर तुम नहीं जाना, नहीं हम स्वतंत्र, इतना भी स्वतंत्र है कि हम बंधन में जा सकते हैं, हम वहां पर अपनी स्वतंत्रता को उस रूप से दे सकते हैं, हम उन सारी चीजों को जो परंपरा से चली आई है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, कोई पाप नहीं, लेकिन हमें अपना उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम लोग इस साल के लास्ट बाइबल स्टडी में बैठे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह की बाइबल स्टडी यहाँ पर नहीं होगी, अगला डेट कब होगा आपको अनाउंस करके बता दिया जाएगा, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं कि कल को क्रिसमस होने वाला है, मुझे इससे भी मतलब नहीं कि कल को न्यू ईयर होने वाला है, क्योंकि जो कैलेंडर है उसको परमेश्वर ने नहीं बनाया ना, मेरे लिए तो हर दिन एक नया न्यू ईयर ही है, और हमारे लिए जो लिखा गया है नीति वचन की पुस्तक में मुझे उससे मतलब, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 4 और उसके पद 18, नीति वचन अध्याय 4 पद 18, हमने बहुत डिटेल में इस बात को सीखा कि कैसे हम धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने कहा था कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। लेकिन नीति वचन की पुस्तक बताती है कि अगर जो व्यक्ति धर्मी है उसकी गति किस प्रकार से है, लिखा परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है, उस सूर्य के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। हमारी जो गति है, हमारा जो पथ है, वो बढ़ते रहने वाला प्रकाश, इंग्लिश में लिखा बट द पाथ ऑफ द जस्ट, जस्ट मीन्स जो धर्मी, पाथ ऑफ द जस्ट इज एज द शाइनिंग लाइट, वो चमकने वाले प्रकाश की तरह है जो बढ़ता ही जाता है, जैसे सूरज सुबह निकलता है और उसकी जो तेज हो, उसका जो तेज है वो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है, वैसे ही धर्मी की गति भी है।
अब फिर वहां पर इसको मत ऐड कर लीजिए कि सूरज जब दोपहर हो जाता है फिर ढल भी जाता है, उसकी गति मध्यम हो जाती है, शांत हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। उधर नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा लिखा है कि वो बढ़ता जाता है, तो उसमें अपने से ऐड नहीं करेंगे कि अब वो घटता भी जा रहा है, तब तुम बाइबल में कुछ जोड़ रहे हैं अपनी तरफ, जितना लिखा है उतना लिखा है। तो हमारी गति बढ़ने वाले सूर्य की तरह, और हमारी गति साधारण सूर्य के समान भी नहीं है, वो हमारे धर्म के सूर्य के समान है, यीशु मसीह। क्या उसकी गति समाप्त हो गई? क्या उसका तेज समाप्त हो गया, मंद पड़ गया? नहीं, वो बढ़ता ही चला गया। तो हमारी गति उसी प्रकाश से है, ये हमारा स्वाभाविक रूप है, ये हमारा स्वाभाविक रूप है। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमने उस आत्मा के ऊपर में अपने शरीर को ओढ़ करके रखा हुआ है, जो तेज अंदर में है, जो महिमा अंदर में है, वो उस शरीर के कारण छुप गई, तो हम लोगों को वो दिख नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग पांच इंद्रियों से काम करते हैं, इसके हिसाब से जीवन बिताते हैं, तो पांच इंद्रियों ने हमको देखने नहीं दिया, क्योंकि वो पांच इंद्रियों से दिखाई नहीं दिया, और हमने उसको ढक दिया, तो महिमा अंदर रहते हुए भी काम में नहीं आई। लेकिन अब हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि हम शरीर से किस रीति से आत्मा में आए। हम लोग प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे, और पिछले सप्ताह जब हमने सीखा, हमने पाया कि जब हम प्रार्थना करें, हम ध्यान करें, हम किस बात पर ध्यान करें? इस बात पर कि उसने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और वो इतना महत्वपूर्ण काम है कि हम उस पर ध्यान करेंगे, हम उस पर ट्यून हो जाएंगे, हम शरीर से कब आत्मा में आ जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा, और हम आत्मा में आ जाएंगे। और आत्मा की बात है, जहां पर आत्मा का तेज है, जहां आत्मा की भरपूरी है, जो उसका प्रकाश है, वो हम अनुभव करने लगेंगे, दूसरे भी अनुभव करने लगे। परमेश्वर चाहता है कि हम वहीं तक पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने क्रमबद्ध रूप से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए यहां तक यात्रा की है। मैंने प्रार्थना की कि किस रीति से हम बाइबल स्टडी को अरेंज करें, क्योंकि हम एक लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि पीछे मुड़कर बार बार देखते रहना पड़े, सिस्टमेटिक ना हो, प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आ रहे हैं। और उस प्रार्थना को सिखाने का उद्देश्य वही था कि हम लोग उस महिमा को प्राप्त कर सकें। आज हम लोग उस महिमा के विषय में थोड़ा सा सीखेंगे, दूसरा कुरिन्थ और उसका तीसरा अध्याय। आइए हम लोग पहले देख लेते कि वो महिमा किस रीति से हमारे भीतर में है। पहली बात तो हमने पढ़ा रोमियों की पत्री में कि जिसे उसने बुलाया उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया और महिमा भी दी है। तो महिमा किस रूप में हमारे पास में है, हमने उसको देखे दूसरा कुरिन्थ अध्याय 3 और उसके पद 7 से। जब आप हिंदी बाइबल में तेज शब्द पढ़ें या महिमा शब्द पढ़ें, तो इंग्लिश में उसके लिए एक ही शब्द है, ग्लोरी। जैसे हमने सूरज के विषय में देखा, तो उसका जो प्रकाश था वो उसकी महिमा है, सूरज का प्रकाश सूरज की महिमा। उसी प्रकार जो तेज यहां पर है उसका अर्थ है उसकी महिमा, और यूनानी भाषा में वो शब्द है डोक्सा। यहां पर लिखा है, तुलना की गई थी, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मूसा पुरानी वाचा को लाने वाला था, वो सिनाई के पहाड़ पर गया, परमेश्वर ने उसे वाचा की पट्टियां दी, और उसके साथ में परमेश्वर के साथ में उसने वहां समय बिताया 40 दिन तक, सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं दी, पूरी व्यवस्था वहां पर उसको दी गई। 40 दिन उसने वहां पर समय बिताया, और उसके बाद जब वो उतरा उसने वाचा की पट्टी उनको तोड़ दिया, क्योंकि लोगों को उसने बछड़े की उपासना करते हुए देखा। वो फिर से पहाड़ पर चढ़ गया, फिर से 40 दिन रहा, और फिर पत्थर पर उन वचनों को लेकर आए 80 दिन। वो पहाड़ से उतरा, और जब वो उतरा तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही, लोगों ने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ देख नहीं पाए, क्योंकि वहां प्रकाश था, लोगों की आंखें चौंधी आ गई, तो उसने पर्दा ढक लिया। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि उसने वो जो पर्दा ढका था वो सिर्फ इसलिए नहीं ढका था कि इजरायली उसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसको ढकने के पीछे का उद्देश्य भी ये था कि जो तेज था वो एक दिन घटकर समाप्त होने वाला था, तो लोग उसको समाप्त होते हुए ना देख सके, इसलिए उसने पर्दा कर लिया था। यहां पर लिखा है, पद 13 को देखिए, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे।
उसने पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। और ये एक दृष्टांत है पुरानी वाचा का तेज। जब पुरानी वाचा को लाने वाला व्यक्ति इतना तेजोमय हो सकता है, इसका मतलब पुरानी वाचा भी कुछ तेजोमय थी, उसमें भी कुछ महिमा थी। लेकिन ये महिमा इस बात को बताती कि पुरानी वाचा जिस प्रकार से समाप्त हो गई, एक दिन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर उसको ठोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यिर्मयाह के समय भविष्यवाणी कर दी गई कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा जो पुरानी के समान नहीं होगी। और जो पुरानी हो गई वो यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद वो समाप्त हो गई, निष्प्रभावी हो गई। तो जो वाचा थी अपनी फुल महिमा में सिनाई के पहाड़ पर दी गई, वो एक दिन क्रूस पर जाकर समाप्त हो गई। और मूसा को यह दृष्टांत दिया गया कि जब वो लेकर उतरा उसके चेहरे से तेज निकल रहा था, फिर वो कुछ दिन में समाप्त हो गया। अर्थात मूसा तुम जो चीज लेकर आए हो उसका तेज एक दिन समाप्त होने वाला है। और इस पुरानी वाचा की तुलना की गई नई वाचा से, और जो नई वाचा है उसका लाने वाला खुद यीशु मसीह। और ये बताया गया कि नई वाचा पुरानी वाचा से अधिक अच्छी है। हम लोगों ने स्टडी किया था, यहां पर देखिए पद 7 में हमने देखा था मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। अर्थात वो वाचा जो मूसा लेकर आया था उसको कहा गया मृत्यु की वाचा, और जो नई वाचा यीशु मसीह के द्वारा आई उसको पद 8 में लिखा गया तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो मृत्यु की वाचा अच्छी है कि आत्मा की वाचा अच्छी है? आत्मा की वाचा अच्छी है क्योंकि आत्मा जीवनदायक, तो आत्मा की वाचा अच्छी है। तो अब तेज को भी हम तुलना कर सकते हैं, उसमें भी कुछ तेज था और इसमें भी कुछ तेज होगा, जाहिर है अच्छी है तो तेज होगी। और वो तेज क्या घट जाएगा क्या समाप्त होने के लिए? नहीं। आगे लिखता है क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, जो मूसा लेकर आया था वो दोषी ठहराने वाली वाचा थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। जो यीशु मसीह लेकर आया वो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, तो ये और भी तेजोमय क्यों ना होगी। इसका अर्थ है कि जितना तेज मूसा लेकर आया था, हम लोग जो नई वाचा के लोग हैं उससे कहीं अधिक तेज के अधिकारी हैं, उससे कहीं अधिक महिमा के अधिकारी हैं। मूसा का तेज तो समाप्त हो गया और हमारा तेज समाप्त नहीं होगा, बल्कि मूसा जितने तेज के साथ आया था उससे बढ़कर तेज हमें दिया गया है। सोचिए बस इतना ही फर्क है कि हमारे चेहरे से किरने नहीं निकल रही, वरना आत्मा में हम हमारे अंदर से किरने निकल रही। बस फर्क इतना हमने शरीर ओढ़ रखा है और हमने उस तरफ दृष्टि नहीं की है, हमने वहां पर ट्यून नहीं किया है, जिसके वजह से हम भी खुद महिमा में जीवन नहीं जी रहे और दूसरे भी उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर की मर्जी ये है कि हम उस महिमा से ट्यून हो जाए और वो महिमा हम खुद भी अनुभव करें, खुद भी उसका लाभ उठाएं और उस महिमा से दूसरों को भी लाभ मिले। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं 10 पर, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। अर्थात तुलना की जा रही है जो तेजोमय था, अर्थात मूसा जिस वाचा को लेकर आया था वह तेजोमय था, वह जो तेजोमय था उससे बढ़कर जो उससे अधिक तेजोमय था, अर्थात नई वाचा पुरानी वाचा से अधिक तेजोमय थी, तो नई वाचा के सामने पुरानी वाचा फीकी पड़ गई। कहने का यही अर्थ, जैसे मानो अंधेरा था उस समय संसार में और वहां पर एक छोटी ज्योति परमेश्वर ने दे दी, एक छोटी सी ज्योति दी, एक दीपक दे दी, तो उसमें कुछ तेज था, उसमें कुछ तेल डाल दिया गया। लेकिन जब तेल समाप्त हो जाएगा तो दीपक भी बुझ जाएगा, लेकिन जब अंधेरा है तो वह दीपक समझ में आता है, दूर से ही उसका महत्व समझ में आता है। तो पुरानी व्यवस्था उसी प्रकार से थी, पुरानी वाचा उसी प्रकार से थी, लेकिन जब नई वाचा आई तो मानो सूरज ही आ गया, अब सूरज उग गया, दीपक का जो उद्देश्य था पूरा हुआ, वो अंधेरे में प्रकाश देने के लिए था और उसने अपना प्रकाश भरपूर से दिया। अब सुबह तक उसका तेल समाप्त हो गया, अब सूरज उग आया। अब उस सूरज के सामने हम दिए को रखेंगे तो दिए को कौन वैल्यू देगा, ऐसे भी उसका तेल तो समाप्त हो गया। तो इसीलिए पद 10 में लिखा है कि और जो तेजोमय था जो दिए के समान था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, अर्थात सूरज के समान, कुछ भी तेजोमय न ठहरा। सूरज को दिया दिखाना उन्होंने कहा वह जानते, तो उसके सामने पुरानी बातें कुछ नहीं। इसका अर्थ है कि जो नई वाचा में जो तेज है उसमें जो महिमा है वो पुरानी वाचा से कहीं बढ़कर है। हम लोग हमेशा मूसा की बात करते कि मूसा के चेहरे से तेज निकला, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से तेज निकले। हालेलुया। और ये जो तेज है वो घटने वाला नहीं है, इसको पद 11 में लिखा गया क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था,
तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। वो घटता जाता था जो मूसा वाला था, परंतु यह स्थिर बना रहेगा। जितना तेज आरंभ में था उतना तेज बना रहेगा। अब देखिए पहली कलीसिया जो थी उसमें भी कुछ तेज था। आज हम लोग हमेशा रेफरेंस लेते हैं पुरानी कलीसिया कैसी थी, पहली शताब्दी की कलीसिया कैसी थी, चेलों के समय में कैसा था। हम लोग जाकर प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, हमने पिछली बार देखा था उस तेज का बाह्य प्रकटीकरण किस रूप में हुआ। उसका बाहरी प्रकटीकरण ये था, तेज तो भीतर था, तेज तो आत्मा में था, लेकिन जो बाहरी प्रकटीकरण था वो ये था कि उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। प्रेरितों के काम 4:34, उनमें से कोई भी बीमार नहीं था, उसमें से कोई भी दुष्टात्मा ग्रस्त नहीं था। प्रेतों के काम 5:14-16, जो तेज उनके भीतर था उसका बाह्य प्रकटीकरण इस रूप में था। और वहां पर जागृति थी, वहां पर उत्साह था, वहां पर जीवन था, और भीड़ की भीड़ आकर्षित होकर कलीसिया में मिल जाती थी। आज जब भी हमको सुधार करना होता है कलीसिया में, हमको कहना पड़ता है कि इसको बदलना पड़ेगा, तो हमको बाइबल उठाकर देखना पड़ता है और हम स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि अभी कलीसिया जिस स्थिति में है क्या पहली शताब्दी की कलीसिया जैसी है, नहीं। लेकिन वचन बता रहा है कि यह जो तेज था वो घटने वाला नहीं था, यह स्थिर रहने वाला तेज था। इसका अर्थ है कि आत्मा में वो तेज स्थिर बना रहा, वो कभी घटा नहीं। अगर घट गया होता तब तो यहां झूठ लिखा है। इसका मतलब वो तेज कभी घटा नहीं, आत्मा में वो तेज सर्वदा बना रहा। इसका अर्थ है कि जितने लोगों ने नया जन्म पाया उन्होंने उस तेज को भीतर में पाया था, उस तेज को भीतर में पाया। पिछले 2000 सालों में कलीसिया बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत सारे लोग आकर चले गए, बहुत सारे लोग नया जन्म पाकर मर भी गए, उनके भीतर में जो तेज उदय हुआ वो घटा नहीं, वो बना रहा। बस फर्क इतना हुआ कि वो बाहर प्रकट हो गया। पहली शताब्दी में वो बाहर भी प्रकट हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि बाहर प्रकट होना बंद हो गया। तब लोगों ने अलग अलग परंपराएं बना ली, अलग अलग नियम बना लिए, किसी तरीके से कम रह जाएं, इसका उपाय हो गया। कलीसियाओं ने कैलेंडर बना लिए कि जब दिसंबर का महीना आएगा तो वह आगमन का काल कहलाएगा, एडवेंट। और उसके बाद क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हो गया, और यीशु मसीह जब जन्मा था तो तारा दिखाई दिया था पूर्व के लोगों को, और उन्होंने तारा देखकर उसको दंडवत करने के लिए पहुंचे, तो अन्य जातियों पर परमेश्वर का प्रकाश पहुंचा। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि अब एपिफानियस होगा, एपिफानियस मतलब परमेश्वर का प्रकाश जो अन्य जातियों तक पहुंचा। अब फिर कुछ समय के बाद महाउपवास होगा, 40 दिन बल्कि 46 दिन उपवास करेंगे, और फिर उसकी समाप्ति हो जाएगी गुड फ्राइडे पर आकर, ईस्टर मनाकर, और उसके बाद 10 दिनों के बाद स्वर्गरोहण का पर्व हो जाएगा, क्योंकि 10 दिनों के बाद यीशु मसीह चले गए। उस स्वर्गरोहण के बाद 50 या 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा की, सॉरी, स्वर्गरोहण 40, यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन के बाद, और फिर यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के 10 दिन के बाद पेंटिकोस्ट होगा। जब पेंटिकोस्ट का पर्व हो जाएगा तो हमने देख लिया कि पुत्र भी आया, पवित्र आत्मा भी आया, पिता इन सब के पीछे काम कर रहा था। अब त्रिएक परमेश्वर का समय शुरू हो जाता है। कलीसिया ने कैलेंडर बना ली, उस समय बनाना भी जरूरी था शायद, क्योंकि सबके पास में बाइबल नहीं थी। अभी इतनी भरपूरी से जो बाइबल है वो 17वीं-18वीं शताब्दी से पहले सबके पास नहीं थी, और किसी किसी के पास हुआ करती थी, तो सबके पास बाइबल नहीं है, तो सब इसको पढ़कर प्रकाश नहीं पा सकते हैं, सब इसको पढ़कर समझ नहीं सकते हैं, तो कम से कम परंपराओं का पालन करते हुए ही तो परमेश्वर से जुड़े हुए रहे। अब कह देंगे कि चलो अब महाउपवास का समय है, अब उपवास करो, प्रार्थना करो, तो उस बहाने अलग परमेश्वर से जुड़े, अब समाप्त हो गया, अब तो हम फ्री, अब तो कुछ भी कर सकते, नहीं नहीं अब तो पेंटिकोस्ट आ गया, अब तो तुम ऐसे करो, वो खत्म हुआ, पूरा हुआ, अब हम फ्री, नहीं नहीं अब ये हो गया, फिर हम फ्री, नहीं नहीं अब एडवेंट हो गया, ऐसे करके लोगों को बांध कर रखा गया कि तुम भागो मत, इन परंपराओं को करते करते जीवित रहो, कलीसिया जीवित रहे इन परंपराओं के साथ चलते। लेकिन उन्होंने अपना उद्देश्य, परंपराओं ने अपना उद्देश्य बढ़ा दिया, अब उतना से काम नहीं चलेगा, अब बाइबल सबके हाथ में पहुंच चुका है, अब इसका प्रकाश फैल रहा है, परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेल दिया, अब हम लोग उसको अनुभव करने जा रहे हैं, तो महिमा
जो पहले अनुभव की गई उसको अनुभव करने का समय आ पहुंचा। जो महिमा उतने दिन तक दबी रह गई, परंपराओं को बाहर से निभाते निभाते लोगों ने उसको ढक कर रख दिया, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि महिमा भी है। लोगों ने यही समझा कि हम यीशु को ग्रहण करने से पहले भी पापी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी पापी हैं। उन्होंने उस सत्य को अनुभव नहीं किया, उन्होंने उसको नहीं जाना। जो महिमा अंदर थी वो रह गई, धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो घटने वाला तेज नहीं था। तो जो तेज आरंभ से था वो बना रहा भीतर में। अगर बना रहा तो आज भी बना है। आज हमने नया जन्म पाया है, वो तेज हमारे भीतर आज भी बना है। अब वो बना है तो उसको प्रकट होना चाहिए जिस प्रकार पहली शताब्दी में प्रकट हुआ, और हम उसी प्रकट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस मार्ग में कोई भी बाधा आप बर्दाश्त मत कीजिए। जो चीजें आपको उस महिमा की तरफ बढ़ने से रोकती है उनको दरकिनार कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उस महिमा की तरफ बढ़ना है, मुझे उस तेज की तरफ जाना है जहां पर मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से कहा, फिलिप्पियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय और उसके पद 12। ये तो पहली शताब्दी की बात है जब प्रेरित कलीसिया में सेवकाई करते थे। और प्रेरित पौलुस अपने विषय में कहते हैं, मैं किसी भी मामले में बड़े प्रेरितों से कम नहीं। दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 में कहते हैं, किसी भी मामले में बड़े प्रेरितों से कम नहीं। उसके जीवन से सामर्थ की बातें प्रकट होती थी। कहा गया कि उसके देह से लोग रुमाल छू करके ले जाते थे, बीमारों पर डालते थे, दुष्टात्मा ग्रस्तों पर डालते थे, वे चंगे हो जाते। उसके जीवन में घटी नहीं, परमेश्वर की भरपूरी का अनुभव कर रहा था। लेकिन वो क्या कहता है पद 12:3 के बाद, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हमें से जितने सिद्ध हैं ये विचार रखें। वो कह रहे हैं कि मैं ये भावना नहीं रखता कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन वो कहता है कि हमें से जितने सिद्ध हैं, मतलब यही भावना रखें। इसका मतलब पौलुस भी सिद्ध ही था, लेकिन वो ये भावना नहीं रख रहा है कि हम कंप्लीटनेस तक पहुंच गए। सिद्ध के लिए जो यूनानी शब्द है वो है तेलियोस। तेलियोस का अर्थ होता है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीट हो गया, लेकिन भावना नहीं है कि कंप्लीट हो गया, हम एंजॉय कर लिया, अब काम खत्म हुआ, हम विदा होते नहीं। अब सेलिब्रेशन का टाइम पहुंच गया नहीं, क्योंकि अभी उस तक तो है लेकिन सारी कलीसिया तक नहीं। सारी कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में उस समय भी कलीसिया तेजो में नहीं थी, तभी वो यीशु मसीह आया नहीं, बल्कि उससे बढ़कर होना चाहिए था प्रगटीकरण। और अभी वो समय, और हमारे लिए क्या होना चाहिए कि मान लिया कि हम अनुभव करने लगे महिमा, हमने महिमा को ट्यून करना जान लिया, हम महिमा में जीवन बिताना सीख गए, फिर संसार शैतान लोग हमको प्रभावित नहीं करते बल्कि हम महिमा से उनको प्रभावित करते हैं। मान लिया हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए, तो भी हमारी मेंटालिटी ये नहीं है कि मैं पहुंच चुका, मैंने पा लिया, नहीं। हम लोग निशानी की तरफ फिर भी बढ़ते हैं, क्योंकि किसी एक बार एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे कलीसिया की बात है। अगर वो मुझ तक पहुंचा तो मेरे बगल वाले तक भी पहुंचना चाहिए, मेरे पड़ोस तक भी पहुंचना चाहिए, जिनसे मैं परिचित हूं उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो जो बातें हमने सीखा है, जो बातें हमने जाना है, और हम लोग को एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उसमें अकेले जाने की बात नहीं है बल्कि सारे लोगों को लेकर जाने की बात है। तो हम लोगों को अपने साथ लोगों को बटोर लेना चाहिए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो हमारे लोग हैं जिनको हम बता सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं, जिनको हम सिखा सकते हैं, उनको हमको शेयर करना पड़ेगा ताकि हम वहां तक पहुंचे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम अकेले अपने बलबूते पर हासिल नहीं कर सकते। इसका दृष्टांत बाइबल में ऑलरेडी परमेश्वर ने वादा किया था, मूसा को कह दिया कि मैंने इसराइलियों की प्रार्थना सुनी है, उनके कराहने को सुना है, इसलिए मैं उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाऊंगा और उनको ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। वो मिस्र से उनको कनान ले जाना चाहता था, लेकिन जो प्रतिज्ञा थी वो पूरे समुदाय के लिए थी, पूरे इसराइलियों के लिए थी, वो किसी एक दो के लिए नहीं थी, सिर्फ मूसा के लिए नहीं थी। तब सारा समुदाय वहां से निकला, मिस्र से निकला, और
16 महीने बीते थे, विद्वानों का कहना है कि 16 महीने बीते थे, वे कनान की सीमा के पास में पहुंचे थे। उस पार कनान की सीमा थी, इस पार वे खड़े थे और वे उसमें प्रवेश करने वाले थे। तो मूसा को ख्याल आया, क्यों ना पहले चेक कर लिया जाए वो देश वैसे ही है कि नहीं। 12 जासूस भेजे गए, उसमें से 10 अविश्वासी निकले, सिर्फ दो जन यहोशू और कालेब विश्वास करने वाले निकले। उन्होंने आकर के बाकी सारी प्रजा को अविश्वास से भर दिया। उन्होंने कहा कि वहां के नगर गढ़ वाले माना अनाकवंशी है, माना पीली जाति के लोग हैं, हम लोग उनको नहीं हरा पाएंगे, वो देश हमारा कभी नहीं हो सकता। देश तो सचमुच अच्छा है, दूध मधु की धारा बहती है, लेकिन वो हम कभी भी कब्जे में नहीं कर पाएंगे। पूरे इजरायली लोग अविश्वास से भर गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने कहा अब से 40 साल और गिन लो, क्योंकि तुमने अविश्वास किया, इधर ही मरोगे। और सिर्फ मरने की बात नहीं है, जब तक तुम्हारी हड्डियां गल ना जाए तब तक समय इधर ही बिताना पड़ेगा, उसके बाद जो नई पीढ़ी होगी वो उधर जाएगी। लेकिन परमेश्वर ये भी तो कर सकता था कि कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं विश्वास करो तो मत जा, तुम लोग को नहीं ले जाएंगे, इधर ही रहो। यहोशू जाएगा, कालेब जाएगा, उन्होंने विश्वास किया है। सारी प्रजा के सामने मुझे यही दो लोग समझ में आए जिन्होंने विश्वास किया, मैं उनको लेकर जाऊंगा और लेकर जा रहा हूं, उनके वश में कर दूंगा और बाकी लोग उधर ही मरो। अब वे लोग प्रवेश कर जाते हैं, कनान को अपने कब्जे में कर लेते, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यहोशू और कालेब को भी बाकी भीड़ के लोगों के साथ 40 साल तक इंतजार करना पड़ा। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, तेजस्वी कलीसिया जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। सिर्फ इसकी बात नहीं कि पौलुस तेजस्वी हो जाए, सिर्फ इसकी बात नहीं कि पतरस तेजस्वी हो जाए, उससे काम नहीं चलेगा, पूरे झुंड को आना पड़ेगा। और अगर पूरा झुंड नहीं होगा तो पौलुस को भी वेट करना पड़ेगा, पतरस को भी वेट करना पड़ेगा, परमेश्वर के सेवकों को भी वेट करना पड़ेगा। कोई अकेले वहां तक नहीं जा सकता, प्रतिज्ञा किसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं, प्रतिज्ञा पूरे झुंड के लिए। तो अगर हमको वहां जाना है, पहुंचना है, तो हमको ये ख्याल मन से निकाल देना पड़ेगा, वो मेरा तो हो गया, बाकी दुनिया के लोग अपना समझे, बाकी कलीसिया के लोग अपना समझे, नहीं, हमको उनको लेकर जाना पड़ेगा। हमको उस मानसिकता के साथ में जीवन बिताना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को प्रभावित करना शुरू करें, अपने लोगों को हम खींचे इस तरह, अपना जीवन हम इस रीति से जिएंगे, हम अपना अपने सामर्थ्य अपने अधिकारों को इस रीति से इस्तेमाल करेंगे कि वे लोग हमारे जीवन को देखकर आकर्षित होकर आए। फिर हम उनको बताएंगे कि जो तुम जी रहे हो यही लक्ष्य नहीं है, इससे बढ़कर लक्ष्य। लोगों ने तो क्या किया, लोगों ने तो संसार की चीजों को अपना लक्ष्य बना लिया, संसार की चीजों को ढूंढ रहे हैं, उसमें अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, उसमें अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि जब गडेरियों के पास स्वर्गदूत आया, परमेश्वर की तरफ से आकर उसने कहा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, इस सब लोगों के लिए होगा। और वो समाचार क्या है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, यही मसीह प्रभु। और गडेरी है, बड़े खुशी खुशी चले गए उसको देखने के लिए, आश्चर्य करते हुए आनंदित होते हुए वहां से देखकर लौट गए। सो जो पहला दिन हुआ जब यीशु मसीह इस धरती पर उत्पन्न हुआ, क्रिसमस का असली दिन, उस दिन वहां पर कोई डेकोरेशन नहीं था। हम लोग बहुत डेकोरेशन करते हैं। उस दिन वहां डेकोरेशन नहीं था, लेकिन वहां आनंद था। उस दिन वहां पर कोई फटाका नहीं फूटा, आज बच्चे बहुत फटाका फोड़ते हैं। उस दिन कोई फटाका नहीं फूटा, लेकिन वह आनंद था। उस दिन गडेरियों को कोई भी नए कपड़े नहीं मिले, लेकिन फिर भी उस दिन वहां पर आनंद था। उस दिन उन्होंने कोई नए पकवान नहीं खाए। उस दिन उन गडेरियों के घर में रंग रोगन नहीं थे, कुछ नहीं था। शारीरिक हिसाब से देखा जाए उनको कुछ नसीब नहीं हुआ, लेकिन वहां पर आनंद था, क्योंकि वो आनंद भीतर दिया गया था, वो आनंद यीशु मसीह के रूप में दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी दृष्टि दूसरी तरफ लगा ली, हम लोग संसार की चीजों को देख रहे हैं। क्रिसमस आ गया है, ये तारा नहीं टांगे हैं, वो फूल नहीं लगाए हैं, दुखी हो रहे हैं उसको लेकर। अरे वो उस दिन भी नहीं था जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, टांगो ना टांगो, उस तारा से कोई रोशनी निकलती है, जब तक बिजली ना खर्च करो तो रोशनी नहीं निकली, कोई मतलब नहीं है उसका। और उसके लिए दुखी होने का तो और कोई मतलब नहीं, उस दिन मुझे नए कपड़े नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है। यीशु मसीह को भी उस दिन पुराने ही कपड़े मिले थे, गडेरियों को भी सब कुछ पुराना ही था,
लेकिन बस जो आनंद उनको दिया गया था वो आत्मिक था, परमेश्वर आत्मिक बातें कर रहा था। हम लोगों को अपनी दृष्टि को मोड़ना पड़ेगा कि हम आत्मिक बातों की दृष्टि करें, जो अंदर है उसकी तरफ दृष्टि करें, क्योंकि बाहर की बातें कभी संतुष्ट नहीं करेंगी। आज ये है फिर नजर आएगा कि ये चीज तो नहीं है, सारा चीज तो है ठीक है लेकिन ये चीज नहीं है ना, इसके वजह से दुखी है, इसके वजह से निराश है। फिर वो मिल जाएगा तो बोलेंगे नहीं उसके पास जो है वो वाला नहीं है, वो मिल जाएगा तो बोले उसके पास जो है वो नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे जो संसारिक है, मनुष्य के हिसाब से है, कभी पूरे नहीं होंगे। अर्थशास्त्र में लोग पढ़ते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, मैं तो कहता हूं कि मनुष्य की लालसाएं अनंत है। आवश्यकता तो दो चार ही है, वो पूरी हो सकती है, लालसाएं अनंत है वो पूरी नहीं होती। अगर हम उसका लालसाओं का पीछा करेंगे तो भागते रह जाएंगे मरने तक, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएंगे, आनंदित कभी नहीं रहेंगे। लेकिन हम आनंदित हो सकते हैं अगर हम भीतर की तरफ देखना शुरू करें, भीतर ही परिपूर्णता है, भीतर ही सब कुछ है। सो हम लोगों को हम महिमा के लिए तैयार कर सकते हैं, लोगों की दृष्टि इस प्रकार से संसार की बातों के लिए हम उनको प्रभावित कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि तुम अंदर की तरफ देखो, मैंने अंदर की तरफ देखा, मैं संतुष्ट हूं, मैं अपने जीवन में मुझे किसी बात की लालसा नहीं रही। अगर आप मेरे जीवन के विषय में सोचेंगे तो थोड़ा गौर से सोचिएगा, जैसे मैं बाहर से दिखाई देता हूं कितना अच्छा लगता है, अंदर से आप देखिएगा तो मैं विचित्र किस्म का व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में कोई शौक ही नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा भोजन नहीं खिला सकते जिसको खाकर मैं आनंदित हूं, क्योंकि आप किसी भोजन को खिलाएंगे उसको खाकर मैं उतना ही आनंदित रहूंगा जितना बिना खाए। कोई खास प्रकार का वस्त्र पहन लूं इसका कोई शौक नहीं है, कोई खास प्रकार की गाड़ी मेरे पास हो जाए इसका कोई शौक नहीं है, खास प्रकार का घर हो जाए इसका कोई शौक नहीं है, मेरे सारे शौक चले गए। लेकिन मैं इस बात को पाता हूं कि मैं बहुत आनंदित हूं, संसार में मेरे से ज्यादा लोगों के पास होगा, उनके पास एक से एक होगा, लेकिन उनके पास वो आनंद नहीं होगा, लेकिन मेरे पास गारंटीड वो आनंद है। मैं इसमें संतुष्ट हूं, मैं इसमें प्रसन्न हूं, मैं इसमें आनंद के साथ गा सकता हूं, मैं इसमें धन्यवाद कर सकता हूं, मैं स्तुति कर सकता हूं, प्रभु के साथ चलते चलते मैं ऐसे ही हो गया हूं विचित्र, लोगों की दृष्टि में मैं नीरस हो गया हूं। लोग अगर सोचे तो कैसा नीरस आदमी है, दुनिया में जो उत्साह है उमंग है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो हो ना हो मेरा आनंद बना रहता है, तो मैं विचित्र किस्म का ही हो, नीरस किस्म का हो लोगों की दृष्टि में, लेकिन नीरस नहीं है, वो जो रस है वो परमेश्वर की तरफ का है, क्योंकि मैंने भीतर की तरफ देखा। आपने भीतर की तरफ देखी, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था यूहन्ना के सुसमाचार में लिखी, हम लोग थोड़ी देर में समाप्त कर रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17, महिमा का वास्तविक प्रगटीकरण जो अंदर है उसका तेज बाहर तक पहुंच जाए, ये तब संभव होगा जब यीशु मसीह दोबारा आ जाए। जो तेज हम लोग कहते हैं कि भीतर तो सूरज चमक रहा है जैसा पहले था अभी भी है, बस शरीर हमने ओढ़ लिया है, तो ऐसा नहीं कि मूसा के समान हमारे चेहरे से रोशनी निकलने लगे, वो अभी ही दिखाई दे, ये कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तब तो पक्का ही होगा, यीशु मसीह आएगा तब पक्का ही होगा। और यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर थे, वो महिमामय रूप में थे, लेकिन उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी ऐसी बात नहीं थी। वो जब स्वर्गीय स्थान पर थे पृथ्वी पर आने से पहले, जन्म लेने से पहले, तब महिमा उनके साथ में थी, उसने प्रार्थना भी किया। यूहन्ना 17 और उसके पद 5 से देखिए, 4-5, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, जो महिमा उस महिमा में मैं वापस जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह उस महिमा को छोड़कर साधारण मनुष्य के रूप में आए, और उसमें भी वो महिमामय रूप में ही थे, महिमा को उन्होंने प्रकट किया, हम लोग उसको देखेंगे। और उसके बाद अब वो अपने काम को पूरा करने पर है, अब वो क्रूस पर जाने पर है, वो जब समाप्त हो जाएगा उस स्वर्ग पर चढ़ा लिए जाएंगे, तो कहते कि मुझे वो महिमा वापस चाहिए। और ये वो महिमा थी जिसके सामने यूहन्ना खड़ा नहीं रख पाया, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए
उसके बाद पतमुस टापू में यूहन्ना ने दर्शन देखा, वो आत्मा में आ गई और उसने एक आवाज सुनी, और जो आवाज थी वो अद्भुत थी, वो बहुत सारे जल के समान थी। वो आवाज को पहचान नहीं पाया, जबकि वो आवाज यीशु मसीह की थी। जब पृथ्वी पर यीशु मसीह उससे बात करते थे, उसके साथ में 3.5 साल समय बीता, उसकी आवाज को पहचानता था। लेकिन जब स्वर्ग में उसने दर्शन देखा, तब जो आवाज थी वो बदल गई, दूसरे प्रकार की आवाज थी। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में आप पढ़कर देख लीजिए, और वो आवाज अद्भुत थी, वो पहचान नहीं पाया। उसने उस आवाज का पीछा किया, वो मुड़कर पीछे की तरफ देखा। जब उसने देखा, वहां 7 दीवट दिखाई दी, और फिर उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र का सा कोई व्यक्ति वहां पर था, अर्थात मनुष्य के रूप में कोई व्यक्ति था। उसके छाती पर सोने का पटुका था, उसके बाल उनके समान श्वेत थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसका मुख कड़ी धूप के समान समय सूरज जो चमकता है वैसा था, उसके पांव झलकाए हुए पीतल के समान थे। उसने यीशु मसीह को देखा, उसके महिमा में रूप को देखा, और वहां वचन कहता है कि जब उसने उसको देखा, वो उसके सामने गिर पड़ा। यीशु मसीह महिमा में रूप को वापस प्राप्त कर लिए जब उस स्वर्ग में चले गए। यूहन्ना ने उसको दर्शन में देखा, अद्भुत रूप से पाया। अगर उसी रूप में यीशु मसीह पृथ्वी पर आ जाते तो कोई उसको क्रूस पर ठोक ही नहीं पाता, जितने आते सब मुंह केवल गिर जाते, तो लोग उसको मार सके, इसलिए वो महिमा को छोड़कर आया था, और इसलिए उसने साधारण रूप लिया। तो हम भी मनुष्य के रूप में जब तक हैं, वो तेज बाहर प्रकट नहीं होता। वो तेज कब प्रकट होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। पहला यूहन्ना, इसे को मार्क करके रखिए, हम लोग फिर से आएंगे। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना अध्याय 3, तो उसके पद 2 में देखिए, बल्कि 1 और 2 देखिए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा वह भी, जैसा यूहन्ना ने उसको पतमुस नामक टापू में देखा, उसको उसी रूप में देखेंगे जब वो प्रकट होगा, और हम भी उसके समान होंगे। और इसी बात को कुलुसियों की पत्री में भी कहा गया है, कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, देखिए यहां पर लिखा है, 3 अध्याय 1 पद से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाना इंपॉर्टेंट है। हम कहां पर ध्यान लगाएंगे? हम कपड़े पर ध्यान लगाएं, हम पटाखे पर ध्यान लगाएं, हम सजावट पर ध्यान लगाएं, किस चीज पर ध्यान लगाएं? उसने कहा पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब पिछली बार जब हम प्रार्थना करते, हमने ध्यान लगाना सीखा, ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, अर्थात जब उसका द्वितीय आगमन होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। जब वो प्रकट होगा तो हमारे भीतर का जो तेज है वो खुल पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर को बदल दिया जाएगा। हमारा जो शरीर है वो ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी दिखता है। इस शरीर ने तो क्या किया, उस महिमा को ढक के रखा है, चादर के समान ओढ़ लिया है, लेकिन वो शरीर ऐसा शरीर होगा जो उस महिमा को बाहर प्रकट करेगा। हम लोग जो भीतर है, हम जो आत्मा है, वो मरते नहीं, वो बूढ़े नहीं होते, वो बीमार नहीं होते, लेकिन जो हमारा शरीर होता है वो इनके प्रभाव में आता है। तो परमेश्वर एक ऐसा शरीर देने जा रहा है जो वैसा हो जाएगा, जो बूढ़ा नहीं होगा, जो बीमार नहीं होगा, जो मरेगा नहीं, जो सदा बना रहेगा, और जो महिमा भीतर होगी उसको बाहर भी प्रकट करेगा। तो जब यीशु मसीह आएगा, महिमा सहित वो प्रकट किए जाएंगे। लेकिन जब इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस रहने के दरमियान भी हम उस महिमा को ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वापस आइए यूहन्ना अध्याय 17, यहां पर देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और वो प्रार्थना अपने चेलों के प्रार्थना करने के बाद, चेलों के लिए प्रार्थना करने के बाद हमारे लिए कर रहे थे, अर्थात उनके लिए जो उसके वचन को सुनकर विश्वास करेंगे, अर्थात हमारे लिए। देखिए यहां पद 20 से, देखिए यूहन्ना 17:20 से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता जो उसके चेले वहां पर थे, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। ये प्रार्थना डायरेक्टली हमारे लिए की गई। यीशु मसीह ने यह प्रार्थना की, बहुत ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की। हम लोग चाहते कोई हमारे लिए प्रार्थना करे,
ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए और यीशु मसीह की प्रार्थना है। इसका मतलब है कि इसका पूरा होना अवश्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। बस उसके पूरे होने में थोड़ा समय हुआ है, डिले हो गया क्योंकि लोगों ने ट्यून करना छोड़ दिया, लोगों ने अपने को संसार के साथ ट्यून कर लिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में ट्यून कर लें। इसका पूरा होना अवश्य है। दो बातें यहां पर है, एक तो महिमा और दूसरी एकता। परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो जैसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। वे हम में एक, वे एक हो। जो लोग सेकंड जनरेशन के मसीही हैं उनसे आगे के लिए यीशु मसीह की प्रार्थना। फर्स्ट जनरेशन अर्थात जो लोग डायरेक्टली यीशु मसीह से संदेश सुने, जो उसके अपने चेले, और उसके चेले वहां थे और उसने उनके लिए प्रार्थना की, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, ये जो 11 चेले मेरे साथ में उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जब वो प्रार्थना कर चुका तो प्रार्थना करता है कि अब जब ये लोग प्रचार करेंगे तो जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए प्रार्थना करता हूं। तो सेकंड जनरेशन हो जाए, तो सेकंड जनरेशन से आगे जितने होंगे उनके लिए प्रार्थना है और हम वही के, हमारे लिए प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि वे एक हो। एकता में परमेश्वर ने कुछ भेद छुपा कर रखा है। उस एकता की तरफ हम लोग स्टडी किए थे, एकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो संसार विश्वास करेगा कि तू इन्हें मुझे भेजा, अर्थात वो सामर्थ प्रकट होगी, वो महिमा की बातें भी प्रकट होंगी। वो एकता में छिपा है, एकता को दरकिनार करके हम इस महिमा तक नहीं पहुंच सकते। और पद 22 इंपॉर्टेंट, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। पद 24, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से मुझसे पहले मुझसे प्रेम रखा। उसने कहा कि जो महिमा तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। इससे पहले कि हम लोग विश्वास करते, इसके पहले कि हम लोग सुसमाचार सुनते, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहरा दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से ठहरा दिया कि जो महिमा यीशु के पास में थी जब वो पृथ्वी पर चल फिर रहा था, वो महिमा उसके विश्वास करने वालों को भी मिल जाए। देखिए इसी के 17 के 5वें पद में प्रार्थना कर रहा था कि जो महिमा सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ में थी वो अब कर, मतलब स्वर्ग से पृथ्वी पर आने से पहले जो महिमा थी वो तो छोड़ के आया है, अब वो वापस पाना चाहता है, लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए भी उसको कुछ महिमा है और उसी महिमा को उसने हमें दिया है, हमें अर्थात जो उस पर विश्वास कर रहे हैं सेकंड जनरेशन से आगे, जो उस पर विश्वास कर उसने वो महिमा हमें दी है। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो वो कैसी महिमा में थे? यीशु मसीह ऐसी महिमा में थे कि वो हमेशा विजयी हुए, शैतान हमेशा उसके नीचे ही रहा, हमेशा उसके पांव तले रहा, शैतान कभी उस पर हावी नहीं हो पाया, संसार कभी उस पर हावी नहीं हो पाया। संसार के लोग बड़ी चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे थे, फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो कभी फंसा नहीं पाए, उसको निरुत्तर नहीं कर पाए। कोई बीमारी यीशु को बीमार नहीं कर सकी, वो सारी बीमारियों को चंगा करता फिरा, दुष्ट आत्माओं को निकालता फिरा, लोग जो उसके साथ में थे उनको कभी घटी का अनुभव नहीं हुआ। मरियम और यूसुफ वो लोग साधारण परिवार के लोग थे, जब यीशु मसीह वहां पर जन्म लिए तो उनके पास सोना पहुंचा दिया गया। उस समय सोना राजमार्ग में होता था, ऐसे भी वो कैसर के अधीन का देश था, लोगों के पास अपनी धन संपत्ति नहीं होती थी, वे लोग बंधुवाई से लौट कर आए कर बसे हुए लोग थे, सोना उनके पास नहीं होता था, बढ़ाई के घर में क्या सोना। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तब ज्योतिषी आए और उन्होंने पहुंचाया भी तो क्या पहुंचाया? सोना। तो यीशु मसीह उस घर में पैदा हुए, वहां के लोग अनुभव करने लगे भरपूर, और यीशु मसीह के चेले उसके साथ में थे, हमेशा भरपूर का अनुभव करते, वो इतना उसको बदनाम करने लगे, दूसरे उपवास करके सूखने वाले लोग जो फरीसी और यूहन्ना के चेले उपवास करते थे, इतना उपवास करते थे कि उनकी हड्डियां दिखाई देती थी अलग से, लोग जलने लगे यीशु को लेकर और कहने लगे पेटू पियक्कड़ पापियों का मित्र, पेटू में से इतना खाता है, उस खाने की घटी नहीं थी, और जो चेले यीशु के साथ में थे वो साथ में खा रहे, आए दिन पार्टी पर पार्टी मिल रही, यीशु के पास घटी नहीं थी। और उसके बाद 5,000 लोग आ गए, पुरुष लोग, उनके साथ स्त्री बच्चे अलग से आ गए, अब खाने की घटी हो गई, कहते हैं कि 200 दीनार का भोजन भी खरीदा जाता तो नहीं दे सकते थे, तो उनको भी यीशु मसीह ने खिला दिया।
यीशु मसीह सारी भरपूरी में थे, महिमा में थे। उन्होंने किसी अभाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, वो अभाव के ऊपर में हावी, इस महिमा में वो चले थे। वो किसी भी पाप के अधीनता में नहीं गए, वो पाप के ऊपर में हावी थे। शैतान तो परीक्षा करके गिराने के लिए आया था, लेकिन वो उसके ऊपर में चले, वो कभी गिरे नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि वही महिमा हम लोग अनुभव करें। यीशु मसीह ने कहा, जो महिमा तूने मुझे दी है, मतलब संसार में रहते हुए, वो महिमा मैंने उन्हें दी है। उसने वो महिमा हमें दी है। वो चाहता है कि बस वो महिमा प्रकट हो जाए, कलीसिया उसको अनुभव करे। हमारे लिए उसकी प्रार्थना पूरा तो होगा। मैं इस बात को पाता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल तो पूरा होना जरूरी है। यदि हम उसमें आज ताल मिला लेते हैं तो हो सकता है, क्योंकि बहुत भारी काम है, बहुत दूर तक का काम है, हम उसमें ताल मिला लेते हैं तो हम उसको अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम उसमें ताल नहीं मिलाते तो पीछे रह जाएंगे। हो सकता है कि जब आप मर जाएं तब वो महिमा एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि आप शामिल नहीं हुए उस महिमा की तरह। तो जब आप चले जाएंगे तब महिमा एक्सपीरियंस की जाएगी। जैसे इसराइली लोग, उनको कहा गया कनान, ये रहा फल, ये रहा फूल, यहाँ की दाख मधु, सब कुछ देख लो कितना अच्छा है। लेकिन जब वे उसमें प्रवेश करने के लायक नहीं ठहरे, अविश्वास करने लगे, तब उनको ठीक है तुम जब मर जाओगे तब होगा। तब जब वो लोग मर गए तब बाकी अगला जनरेशन ने उसको अनुभव किया। तो अगर हमारा जनरेशन, हमारी पीढ़ी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी तो अगली पीढ़ी हो जाए। जितना लेट हम लोग करेंगे उतना डिले होगा, जितना जल्दी हम लोग करेंगे उतना फास्ट होगा। लेकिन वो महिमा तो आने वाली है, क्योंकि प्रार्थना ही है, महिमा मैंने उन्हें दी है। और इसी महिमा के कारण संसार जानेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि संसार किन वस्तुओं की खोज में है, अन्य जाति किन वस्तुओं की खोज में, वो संसार की वस्तुओं की खोज में। वो कलीसिया के पास में देखेंगे कि सारी भरपूरी परमेश्वर ने इनको दे दी है, तो खोजते हुए आना यही पड़ेगा। और तब हम उनको बताएंगे कि ये सारी चीजें तो बेकार की चीजें हैं, लेकिन ये चीजें तो हम लोगों को साथ में बोनस में मिल गई, हम लोगों को तो उससे बेहतर चीज मिली है, तुम उसको ले लो। तो ये सारी नकारात्मक चीजें, संसार की चीजें जो तुम ढूंढते हो, वो भी ऑटोमेटिक तुम्हारी हो जाएंगी। और इस प्रकार लोग फिर से कलीसिया में शामिल होंगे, तब कोई रोक नहीं पाएगा, तब कोई सरकार हमारे विरुद्ध नहीं खड़ी हो पाएगी, तब कोई संस्था हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता है, तब कोई संगठन हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। यीशु मसीह ने कहा था, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा सब मनुष्यों को अपने पास खींचूंगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो खींच रहा है, लेकिन आज वो महिमा में ऊंचे पर दिखाया जाना जरूरी है। जब वो ऊंचे पर दिखाया जाएगा संसार के लोगों को ऑटोमेटिक खींचेगा। यीशु मसीह जब काम कर रहा था, भीड़ की भीड़ उसके पास चली आती थी। वहां लिखा है सीरिया से लोग आते थे, दिकापुलिस से लोग आते थे, यहूदिया से लोग आते थे, दूर दूर जगहों से लोग आते थे। यीशु मसीह जिस देश में था उस देश के सिर्फ नहीं विदेश के लोग आते थे। उतनी कीर्ति कहां से चली गई? वहां तो इंटरनेट नहीं था कि यहां कुछ घटना घटी तो मोबाइल में वहां देखा तो चले आए, नहीं। वहां टीवी नहीं था, वहां रेडियो नहीं था, वहां न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन जो कुछ वो कर रहा था वो इतना सामर्थ्य था कि उसका समाचार विदेश तक चला गया, लोग खींच कर चले आए। आज खींच कर नहीं आए कलीसिया के पास, जबकि आज तो मोबाइल है, इंटरनेट है, आज तो टेलीविजन है, आज तो रेडियो है, आज तो न्यूज़पेपर है, पर आज लोग खींच कर कलीसिया के पास नहीं आ रहे। कारण क्या? कुछ जो हमने मिस कर दिया, जो महिमा यीशु मसीह ने प्रकट किया था वो महिमा हमने मिस कर दिया, लेकिन वो महिमा रिस्टोर हो रहा है। हालेलुया। वो महिमा ऑलरेडी आत्मा में है, जस्ट हमने उसको मेडिटेट, हम उसको ट्यून नहीं किया। वो महिमा प्रकट हो रही है, अब वो महिमा एक्सपीरियंस की जाएगी। हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है कि महिमा हमारे समय से बताई जा रही है, महिमा है आने वाली। अब मैं आपको बता दूं, यही संपूर्ण लक्ष्य हमारे लिए है, यही संपूर्ण लक्ष्य है। अगर हम लोग एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो जो छोटा है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, वे पूछते हैं कि हम लोग किस रीति से एग्जाम की तैयारी करें, तो लोग पूछते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा हम लोग पढ़ लें कि हम लोगों को मार्क्स आ जाए। तो मैं कहता हूँ कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 100 मार्क्स का। तो मैं कहता हूँ कि 200 के लिए तैयारी करो, क्योंकि तुम 100 मार्क्स की तैयारी करोगे तो तुमको 100 कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है 80 मिल जाए, हो सकता है 70 मिल जाए। अगर तुमको लगता है कि 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो क्यों ना मैं 5 की तैयारी करूँ, तो कुछ क्वेश्चन इधर दाएं से बाएं हो गए तो तुम 4 ही कर पाओ।
तो आठ में से पांच की तैयारी क्यों करते हो? आठ में से आठ की करो, सोलह की करो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ज्यादा की करो। तो जो महिमा है वो भी इसी प्रकार से, तो लोगों ने छोटे से हिस्से पर ध्यान देना शुरू किया। इसी महिमा का छोटा सा हिस्सा स्वर्ग है। महिमा तो हम पृथ्वी पर भी अनुभव करना चाहते हैं, स्वर्ग में भी है, परंतु लोगों ने क्या किया, अब पृथ्वी पर तो दिख नहीं रहा, पता नहीं होता है कि नहीं होता, छोड़ो सबको, स्वर्ग नहीं दिखता है, विश्वास करना आसान है, नहीं दिखता है ना, तो वहां के लिए बातें हम बोल सकते हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है, प्रूव कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन है पृथ्वी पर तो हम नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि करके दिखाओ तब, तो सारा ध्यान उधर, पृथ्वी पर तुम जैसे भी रहो, मरते जीते जैसे भी रहो, स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए, स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए, हमारा सारा ध्यान सारी एनर्जी एक ही तरफ मुड़ गई, स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए किसी तरह बस। तो लोगों ने भी उसके लिए अपना अपना रास्ता चुन लिया ना, अपना अपना डिजाइन बना लिया, जाने का तरीका निकाल लिया, लोगों ने सोचा कि अरे पाप तो होते ही रहते संसार में, बस मरने से पहले पश्चाताप कर लेना, जिंदगी जैसे भी जीते रहो जीते रहो जीते रहो, मरने से पहले पश्चाताप कर लेना। दूसरे लोग उसको समझाने के लिए अचानक मर जावे तो क्या हो, लेकिन जो समझाने के लिए आया है वो भी सिर्फ इतना ही समझा रहा है कि तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करते रहो, महिमा की बातें नहीं बोल रहे। दूसरे हैं जो संसार में जीने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे पता नहीं यहां कुछ मिल रहा है नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट रखेंगे, और नहीं मिल रहा है तो भी काम चलेगा, महिमा प्रकट नहीं हो रही है, कलीसिया की कीर्ति नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं स्वर्ग तो पहुंचेगा। तो जो ऊंचा लक्ष्य था उसको छोड़कर हमने नीचा लक्ष्य को चुन लिया, तो जो ऊंचा था वो तो खो गया, लेकिन अगर हमने महिमा को ध्यान में रखा तो स्वर्ग तो हमारा है ही, कौन उससे हमको छीन सकता है, वहां तो हम पहुंचेंगे ही, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए भी जो भरपूर या परमेश्वर ठहराई है हम लोग उसको भी अधिकार कर लेंगे, उसके भी अधिकारी हो जाए। और परमेश्वर जिस वचन को यहां पर लिखा है, जिस प्रार्थना को यीशु मसीह ने किया, वो सब कुछ यहां पर पूरा होगा। एक बार की बात है, यीशु मसीह पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए, अंतिम बात करके मैं समाप्त करता हूँ, पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए, उसने अपने साथ यूहन्ना को लिया, याकूब को लिया, पतरस को लिया, और कोई पहाड़ था जहाँ पर वो प्रार्थना करने के लिए चढ़ गए, और उसने उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ पर ठहरो, और वो आगे जाकर प्रार्थना करने लगा, और जब वो प्रार्थना करने लगा तो वचन कहता है, मत्ती अध्याय 17 में लिखा है, उसके वस्त्र का तेज बदल गया, यूहन्ना मरकुस उसको लिखता है, उसका वस्त्र ऐसा ऐसा श्वेत हो गया, ऐसा तेजमय हो गया कि संसार का कोई धोबी वैसा धोकर श्वेत नहीं कर सकता है, किसी भी टाइड से वह चमक नहीं आएगी, उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, उसका चेहरा चमकने लगा, अर्थात वो तेज जो उसके भीतर में स्टोर किया हुआ था वो बाहर झलकने लगा, वो बाहर प्रकट होने लगा, तब वो लोगों की आंखें खुल गई, और वहां पर एलिया नजर आया, वहां पर मूसा नजर आया, वे यीशु के साथ बातें करने लगे, तो इनको कुछ लगा, कुछ पता चला। पतरस के मन में वो बातें घर कर गई, उसने अपनी पत्री में भी लिखा है कि हमने उसकी महिमा के प्रताप को स्वयं अपनी आंखों से देखा, हमने पहाड़ पर भरोसे की आवाज को आते सुना, ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो। लेकिन यीशु मसीह के साथ में ये है कि तेज उसके भीतर में था, वो महिमा पृथ्वी पर रहते हुए था, लेकिन वो महिमा प्रकट हुई थी कब, जब वो प्रार्थना कर रहा था, और वही तेज उसने, वही महिमा उसने हमें दिया है। सो कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो हम ध्यान भी करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तो सारी बातें प्रकट होने लगेंगी। इसलिए इतने दिन हमने प्रार्थना के विषय में सीखा है, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मांगने की बात नहीं, मांगना तो छोटी सी बात है, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ट्यून करना सीख जाएंगे, हम ट्यून करना सीख जाएंगे, और वो महिमा यहाँ तक कि बाहर प्रकट हो सकता है, हो सकता है कि वो तेज के रूप में लोगों को दिखाई पड़े, आपके शरीर से रोशनी आते हुए लोग देख सकें, ये भी संभव है क्योंकि यीशु मसीह के साथ हुआ, लेकिन फाइनली वो देख सकेंगे अंतिम रूप में जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, लेकिन अगर वो ना भी देखे कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी प्रकटीकरण होगा वो इसी बात से होगा कि हम प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना में अपने समय को दीजिए, अपने लिए समय निर्धारित रखिए, निर्धारित कीजिए कब आप उसके साथ बैठेंगे, कब आप उसको समय देंगे, कब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे परमेश्वर के साथ, क्रूस के पास में आकर, उस वेदी के पास में आकर, और वो सारी बातें हमारे जीवन से प्रकट करें। परमेश्वर
आपकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना। स्वर्गीय महापिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि हम महिमा से रहित थे और तूने वो महिमा हमारे लिए दी। तूने यीशु मसीह में उसको हमारे लिए उपलब्ध कर दिया और तूने हमारे भीतर में रख दिया और ये वो महिमा नहीं जो घट जाए, ये सदा बना रहता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस महिमा के लिए। पिता ये कलीसिया के शुरुआत से जब लोगों ने नया जन्म पाया ये उनके भीतर तक कभी घटा नहीं, आज हमारे भीतर है ये घटा नहीं। पिता हम धन्यवाद करते कि तूने उसका ज्ञान हमें दिया है, तूने उसकी समझ हमें दिया है और तू चाहता है कि हम उसके प्रगटीकरण को देख सके। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए प्रार्थना की ताकि वो महिमा हमारे भीतर से बाहर प्रकट होने पाए। पिता तू मदद कर कि हम इससे प्रत्येक जन प्रार्थना में अपने आप को दे सके, अपने आप को तेरे साथ ट्यून कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो महिमा तूने उसे दी थी वो उसने हमें दिया है, वो महिमा हमारे भीतर है और हम भी पिता उत्सुक हैं उस महिमा को प्रकट होने के लिए। हम चाहते हैं हमारे जीवन से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, सामूहिक जीवन से प्रकट होने पाए, संसार के सामने प्रकट होने पाए, ताकि संसार जाने कि तूने ही यीशु मसीह को भेजा, वही एकमात्र मार्ग और उद्धार करता है। पिता ये प्रकट होने पाए, पिता इस निमित्त आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए। यदि हमारा लक्ष्य छोटा था, यदि संसार की वस्तुएं थी, तो उससे बढ़कर हमारा लक्ष्य तेरी महिमा हो जाए पिता, और हम उसी ओर लक्ष्य करके जा सके। हम वृत्ताकार पथों पर ना चलते रह जाएं, लेकिन हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, निशाने की ओर आगे बढ़ सके और हम उसे प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद करते कि जब तू आएगा तो हमारे शरीरों को भी बदल देगा, जो तेज हमारे भीतर है वो बाहर भी प्रकट हो जाएगा और हम तेरी महिमा करने पाएंगे। हमारी सहायता कीजिए आने वाले समय तक, जब तक हम ना मिले, प्रत्येक जन को इन बातों के द्वारा सरगर्म रखिए, उत्साहित रखिए। पिता आने वाले समय में क्रिसमस का माहौल है, उत्सव का माहौल होगा, उसमें लोग भूल ना जाए, उसमें लोग आत्मा से शरीर में ना आ जाए। पिता इन प्रियजनों की मदद कीजिए कि उन परिस्थितियों में भी वे समय निकाल सके, उस महिमा के लिए समझौता ना करें, लेकिन उस महिमा को हमेशा सर्वोपरि रख सके। और पिता जब हम मिले तो हम फिर बड़े आनंद के साथ मिले, गवाहियों के साथ मिले और तेरा धन्यवाद करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। जब हम अपने घरों में रहे हैं प्रभु, हमें हर अनदेखी और अनचाही बातों से हमें बचाए रखिए, हम ठंडे ना हो और होने दीजिए स्वामी। जब हम चाहें प्रभु हम प्रैक्टिस में रहें प्रभु, हम किस प्रकार आपके साथ संबंध में और भी बढ़ते चले जाएं इसके प्रैक्टिस में हम रह पाएं प्रभु, बस अनुग्रह कर दीजिए। जब हम नए साल में मिले, नए उत्साह नए जोश के साथ मिले और नए खरोश के साथ मिल पाए, आपके नाम को सराह पाए प्रभु, बस अनुग्रह। सारी बातों के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना ईश्वर के नाम मांगते हैं, आमीन। सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग मिलते हुए जा सकते हैं दूसरे से।